Welcome students. In this video lecture, I want to revise your three chapters, A Letter to God, His First Flight and The Black Aeroplane. Students, you know, A Letter to God is about an illiterate farmer, Lencho, who had a very deep faith in God. His First Flight is about a young seagull who was afraid of flying, and the black aeroplane is a mystery. तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके तीन चैप्टर एक साथ रिवाइज कर रहा हूँ और मैं इन चैप्टर्स को 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना चाहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Who is the author of the story His First Flight? His First Flight story है, उसकी author कौन है, उसके writer कौन है? Lem of Laherty हैं, Frederick Forsyth हैं, L. Basor Easter हैं या G. L. Flinders है. तो बच्चों, आपको हर chapter के author का नाम याद होना चाहिए, with spellings याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जरूर पूछा जाएगा. तो Lem of Laherty की ही story है आपकी His First Flight. ओके, आंसर्स हैं वो स्टार लगा करके सामने हैं वो दिए हुए हैं. फ्रेडरिक फोर्सत की जो स्टोरी है वो द ब्लैक एरोप्लेन है. एल बसोर ईस्टर की जो स्टोरी है वो आपकी 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकंड है. और जी एल फ्लिंटस की स्टोरी है वो ए लेटर टू गॉड है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डर रहा था? Because he was a coward, वो एक डरपोक था, coward था. Because he was afraid and his wing, because he was afraid that his wings will not support him, उसको इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सहारा नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. Because he was afraid that everyone would judge him, उसको इसलिए उड़ने से डर लग रहा था क्योंकि सब लोग जानते थे कि उसको वो जज करेंगे, उसको देखेंगे, या फिर बोथ ए एंड बी. तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ही वॉज ए कोवर्ड, ओके, एंड ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम. तो दोनों ही आंसर है वो ए और बी है वो सही है. तो सो डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डिड द यंग सीगल्स फैमिली थ्रेटन हिम विद इफ he did not flew away. What did the young seagull's family threaten him with if he did not flew away? Young seagull के जो family member थे वो उसको किस प्रकार से धमका रहे थे अगर वो वहां से उड़ करके जाता नहीं है तो. They decided never to talk to him. उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो उसके साथ बात नहीं करेंगे. They decided to punish him. वो उसको सजा देना चाहते थे. They decided to let him starve. उन्होंने ये निर्णय लिया कि उसको वहां पर भूख से वहां पर मरने दो, या फिर दे डिसाइडेड टू अबंडन हिम, उन्होंने उसको वहां पर अकेला छोड़ दिया. तो हेयर सी इज द राइट आंसर. दे डिसाइडेड टू लेट हिम स्टार्व, उन्होंने उनको धमकी दी, उन्होंने निर्णय लिया कि एक प्रकार से उसको वहीं पर ही भूख से मरने दो. स्टार्व करना होता है भूख से मरना. क्वेश्चन नंबर फोर, Where was the pilot of the Dakota aeroplane going? Dakota aeroplane के जो pilot है वो कहाँ जा रहा था अपने plane को उड़ा करके? From Paris to England वो Paris से England जा रहा था. From England to India वो England से India आ रहा था. From France to Boggins Height, या फिर वो France से Boggins Height जा रहा था, या फिर D option है none. Okay, D option है, मैं यहां पर देना भूल गया हूं. ओके, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा. ओके, क्योंकि इट विल टेक टाइम. तो ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, वो अपना एरोप्लेन है वो इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ है वो ले जा रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, वो अपने एरोप्लेन को पेरिस से इंग्लैंड ले जा रहा था, उड़ा रहा था. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव,
वट वॉज द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन लुकिंग फॉरवर्ड टू? डकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था वो किस बात को, वो क्या करना चाह रहा था? वो कहाँ जा रहा था, इस प्रकार से इसका मीनिंग आएगा. ही वॉन्टेड टू रीच हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल को पाना चाह रहा था, मंजिल तक पहुंचना चाह रहा था. ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स, वो अपने फैमिली को मिलना चाह रहा था. ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे, वो अपनी छुट्टी बिताना चाहता था, या फिर ऑल दी अबव. तो हेयर डी इज द राइट आंसर, बिकॉज द एरोप्लेन पायलट वॉन्टेड टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे. क्वेश्चन नंबर सिक्स. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वट लुक लाइक द ब्लैक माउंटेन टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन. वो मेरे सामने बड़ी बड़ी काली माउंटेन्स की तरह से खड़े थे, पहाड़ियों की तरह से खड़े थे आकाश के अंदर मेरे सामने. उसको कौन सी चीज है वो काले पहाड़ों की तरह से लग रही थी? ब्लैक माउंटेन्स, काली पहाड़ियां, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, टॉल बिल्डिंग्स या लंबी लंबी बिल्डिंग्स, या ब्लैक प्लेट्यू, या फिर जो काले रंग का पठार है वो लग रहा था. तो हेयर बी इज द राइट आंसर. दे लुक लाइक ब्लैक स्टैंडिंग माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ मी, देवर स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफानी बादल थे उसके सामने, डकोटा एरोप्लेन के पायलट के सामने. क्वेश्चन नंबर सेवन. हाउ मच मनी लेंचो गॉट या रिसीव्ड बाय मेल? लेंचो को कितने पैसे हैं वो मेल से प्राप्त होते हैं? गॉट और रिसीव का मीनिंग दोनों ही एक होता है, कोई भी वर्ड पेपर में आ सकता है. तो ही रिसीव्ड ए 100 पीसोस, उसको 100 पीसोस मिले. ही रिसीव्ड 200 पीसोस, उसको 200 पीसोस मिले. ही रिसीव्ड 300 पीसोस, उसको 300 पीसोस मिले. या ही रिसीव्ड 70 पीसोस और ए लिटल मोर देन हाफ, उसको केवल 70 पीसो मिले, या फिर ए लिटल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा मिला. तो हेयर डी इज द राइट आंसर. ही लेंचो रिसीव्ड और लेंको रिसीव्ड 70 पीसोस और ए लिटल मोर देन हाफ. क्वेश्चन नंबर एट. वट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो का फील्ड है वो किस चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका खेत है वो कैसे नष्ट हो गया? डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होने से. लेंचोज फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ए हेल स्टॉर्म, ए हैवी रेन. उसका जो फील्ड है वो भारी बारिश से नष्ट हुआ. ए हेल स्टॉर्म, एक ओलों के तूफान से उसका फील्ड है वो नष्ट हुआ. या ए लैंडस्लाइड, या फिर जो लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है, पहाड़ों पहाड़ है वो नीचे गिर जाते हैं बारिश के कारण, उस कारण से हुआ, या फिर ए फ्लड के कारण. तो हेयर इन दी प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. हिज फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ए हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म ओलों का तूफान होता है. लेंचो का जो खेत है वो ओलों के तूफान से नष्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर नाइन. लेंचोज फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ, लेंचो का जो फील्ड है वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किससे ढका हुआ हो? सोल्ट, नमक से ढका हो, लॉक्टस, लॉक्टस से ढका हुआ हो, शुगर से ढका हुआ हो, या आइस से ढका हुआ हो? तो हेयर ए इज द राइट आंसर. आफ्टर दी हेल स्टॉर्म लेंचोज फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ सोल्ट. ऐसे लग रहा था जैसे वो नमक से ढक गया हो, क्योंकि जो ओले होते हैं उनका रंग भी नमक की तरह से ही सफेद होता है. क्वेश्चन नंबर नाइन. व्हाट डज लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डेंजर ऑफ हिज फील्ड? लेंचो का जो खेत का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की तुलना उसने किसके साथ की है? अटैक बाय रैट्स, जैसे चूहे नुकसान कर देते हैं, उससे उसने तुलना की. अटैक बाय काउस, जैसे गाय हैं वो खेत को चर जाती हैं, उससे उसने उसकी तुलना की. अटैक ऑन प्लेग ऑफ लॉक्टस, ऐसे उसने तुलना की जैसे कि टिड्डी दल खेत को पूरा नष्ट कर जाता है. या फिर डी ऑप्शन है,
none of the above, या फिर उसने कोई तुलना नहीं कही, तो हेयर सी इज द राइट आंसर. ओके, ही कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ द डैमेज ऑफ हिज कॉर्नफील्ड टू एन अटैक ऑन अटैक ऑफ प्लेग ऑफ लॉक्टस. ओके, उसने इसकी तुलना है वो, जैसे टिड्डी दल पूरा खा जाता है खेत को, उसने उसकी तुलना है वो उसके साथ की. 11th क्वेश्चन, व्हाट वर द यंग सीगल्स फैमिली मेंबर्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर. व्हाट वर द यंग सीगल्स मदर टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर. यंग सीगल की जो माँ है वो अब उसके दोनों भाइयों को और सिस्टर को क्या सिखा रही थी. टू परफेक्ट देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, वो उनको उड़ने के अंदर है वो परफेक्ट पूर्ण रूप से परफेक्ट बना रही थी. टू स्किम द वेव्स, उनको हवा को काटना सिखा रही थी. टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे छलांग लगाते हैं इसको सिखा रही थी. या ऑल द अबव, तो हियर शी वॉज टीचिंग देम टू परफेक्ट देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव फॉर द फिश. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्किल्स शी वॉज टीचिंग यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो वो सब कुछ ही सिखा रही थी उनको. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट साइट मैडन द यंग सीगल. कौन सी साइट, कौन सा दृश्य देखकर के यंग सीगल है वो बिल्कुल पागल सा हो गया. ब्यूटीफुल लैंडस्केप सीन आउटसाइड, वो प्राकृतिक सौंदर्य जो बाहर था उसको देखकर के पागल हो गया. हिज फैमिली मेंबर्स फ्लाइंग अवे, उसके फैमिली मेंबर है वो वहां से जा चुके हैं, इसको देख करके वो पागल हो गया. या फूड को देख करके, या फिर जो सी ऑप्शन है वो, सी ऑप्शन है वो है आपका ऑल दी अबव, या वो सब चीजों को देख करके पागल हो गया. तो हियर द यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाय द साइट ऑफ फूड. वो फूड को देख करके, जब उसकी मदर उसके लिए फूड ला रही थी तो उसको देख करके वो पागल हुआ. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस वेन द नरेटर सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. नरेटर है वो पेरिस से कितनी दूर आ चुका था जब उसने अपने सामने है वो काले रंग के बादल देखे. 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 150 किलोमीटर. हियर डी इज द राइट आंसर. ही वॉज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस एट दैट टाइम. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट. पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहले काम करना बंद करता है. कंपास, कंपास करती है, रेडियो करता है, बोथ स्टॉप टूगेदर, दोनों ही एक साथ बंद कर देते हैं, या बोथ वर वर्किंग, या दोनों ही काम कर रहे थे. तो हेयर ए इज द राइट आंसर. हिज कंपास स्टार्टेड वर्किंग, हिज कंपास स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट. उसकी कंपास है वो पहले काम करना बंद करती है. क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर. लेंचो ने गॉड से कितना पैसा है वो मांगा था. 100 पीसो, 1000 पीसो, 10 पीसो और 500 पीसो. तो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. पहला ऑप्शन सही है. ही आस्क फॉर ओनली 100 पीसो टू सो हिज फील्ड अगेन. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वॉज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मैन ऑन सीइंग लेंचोस लेटर. लेंचो का लेटर देखने के बाद जो पोस्टमैन था उसकी क्या रिएक्शन थी. ही लाफ्ड होल हार्टेडली, वो पूरा दिल खोल करके हंसता है. ही क्राइड, वो रोने लगता है. ही फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, उसको बड़ा दुख होता है कि क्या हुआ है, ये क्या हो गया. या ही फेल्ट अशेम्ड, उसको शर्म आने लगती है. तो हियर ए इज द राइट आंसर. ही लाफ्ड होल हार्टेडली, वो पूरी तरह से दिल खोल करके हंसता है. बिकॉज ही हैड नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एड्रेस ऑन एनी लेटर थ्रू आउट हिज कैरियर. देन क्वेश्चन नंबर 17, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन. वट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल हेयर. पोस्ट मास्टर है वो एक मोटा सा बड़ा ही एमिएबल पर्सन था. यहां पर एमिएबल का मीनिंग क्या है. रूड, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार है वो बड़ा ही रूड हो. हेल्पफुल एंड काइंड, बड़ा मदद करने वाला और दयालु व्यक्ति. ए बंच ऑफ क्रुक्स, एक बदमाशों का टोला. या थिक इन द मिडल, या फिर इसका मतलब है कि वो बीच में, मतलब मोटा आदमी था. तो हेयर बी इज द राइट आंसर. ही एमिएबल हेयर मीन्स हेल्पफुल एंड काइंड. एमिएबल का मतलब होता है हेल्पफुल और काइंड, जो दूसरों की मदद करे. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वॉज द पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय ऑन सीइंग लेंचोस लेटर. लेंचो का लेटर देख करके पोस्ट मास्टर है वो क्यों हैरान हो गया. हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड,
वो उसके भगवान के अंदर दृढ़ विश्वास को देख करके बड़ा ही हैरान हुआ। हिज हैंड राइटिंग, वो उसकी हैंड राइटिंग को देख करके हैरान हुआ। हिज लव फॉर गॉड, वो भगवान के प्रति प्यार को वो देख करके हैरान हुआ। और हिज डिटर्मिनेशन, उसके पक्के इरादे को देख करके वो हैरान हुआ। तो हियर फर्स्ट आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द यंग सीगल्स मदर स्टॉप, सॉरी व्हाई डिड द यंग सीगल्स मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश शी कैरीड। सॉरी, यंग सीगल की जो मदर है वो बीच में आकर के क्यों रुक जाती है, उस मछली को जो वो ला रही थी उसको उठा करके, तो वो क्यों रुकती है। शी वॉज मैड एट हिम, क्योंकि वो यंग सीगल को देख करके पागल हो गई थी। शी वॉन्टेड टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ लेज, वो चाहती थी कि यंग सीगल है वो लेज से बाहर छलांग लगा दे। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश, वो उसको मछली देना ही नहीं चाहती थी। या फिर शी शी गॉट टायर्ड, वो थक चुकी थी। तो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर। शी वॉन्टेड टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ द लेज, वो उसको उसके लेज से बाहर निकालना चाहती थी ताकि वो खुद उड़ने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ लॉन्ग डिड द यंग सीगल स्टे इन हिज लेज, यंग सीगल है वो अपने लेज के अंदर कितना समय तक रहता है, अकेला रहता है। 424 आवर्स, 24 घंटे तक, 423 आवर्स, 23 घंटे तक, 412 आवर्स, 12 घंटे तक, या फिर 450 आवर्स, या फिर 150 घंटे तक। तो हेयर ही स्टेड देयर अलोन इन हिज लेज फॉर 24 आवर्स, वो 24 आवर्स तक अकेला रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज विद द यंग सीगल बिफोर ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से पहले यंग सीगल के पास है वो कौन था। हिज फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार वाले थे। हिज मदर, उसकी माँ थी। हिज टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, उसके दो भाई और एक सिस्टर थी। या फिर ही वॉज अलोन। तो हेयर डी इज द राइट आंसर, ही वॉज अलोन बिफोर ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड द वीमेन एट द कंट्रोल सेंटर से द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन ऑन इंक्वायरिंग अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। जब डकोटा प्लेन के पायलट ने, जो औरत बैठी थी कंट्रोल सेंटर के अंदर, उसके बारे में, तो जब उसने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उससे इंक्वायर किया, उसके बारे में छानबीन की, तो उसने उसको क्या बताया। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उसने ये कहा कि ये तो बड़ी आसान फ्लाइट थी। इट वॉज हर मिस्टेक, ये तो उसकी गलती है। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, यूअर्स वॉज दी ओनली वन, उसने ये कहा कि आपका ही जो प्लेन था वो अकेला ही उस रात को उड़ रहा था। या फिर ही वॉज ए वेरी रिस्की पर्सन, उसने पायलट को ये बताया कि वो तो बड़ा रिस्क उठाने वाला व्यक्ति है। तो हेयर सी इज द राइट आंसर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, यूअर्स वॉज दी ओनली वन, उसने आगे से ये कहा कि कोई दूसरा प्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था, अकेला आपका ही प्लेन है वो उड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या बोला, क्या कहा। ए बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का टोला बोला। रूड, रूड बोला, देखा जिनका व्यवहार है वो बड़ा एक प्रकार से गलत होता है, जिनको मैनर्स नहीं होते। या करप्ट बोला, ठीक है उनको एक प्रकार से करप्ट बोला। या फिर प्राउड, उनको बड़ा ही अहंकारी बोला। तो लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, लेंचो ने जो सेकेंड लेटर लिखा उसके अंदर उसने क्या बोला। ए 100 पीसो बोला, मांगा द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट सेंट बाय मेल, उसने बाकी बचा हुआ पैसा मांगा और उस पैसे को मेल से ना बोलने के लिए, ना भेजने के लिए कहा। रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंट इट बाय मेल ओनली, उसने बाकी बचा हुआ पैसा मांगा लेकिन उसको मेल से ही भेजने को बोला। या फिर ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं मांगा। तो हेयर बी इज द राइट आंसर, ही आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट सेंट बाय मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, एंड नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट एमसीक्यू। वट इज द आयरनी इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसके अंदर आयरनी क्या है। तो
तो आयरनी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बारे में जो रीडर्स हैं वो तो जानते होते हैं, लेकिन जिसके बारे में रीडर्स तो जानते हैं लेकिन जो मेन करेक्टर होता है वो उस इंसिडेंट के बारे में नहीं जानता होता। तो आयरनी क्या है? लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर ए शावर। पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प टू अरेंज मनी फॉर हिम। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज हु इन फैक्ट वर काइंड एंड हेल्पफुल और देयर इज नो आयरनी। तो हेयर सी इज द राइट आंसर। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज हु इनफेक्ट वर काइंड एंड हेल्पफुल, ओके, बट लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस चैप्टर के अंदर है वो आयरनी यही है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लाइज को ब्लेम किया कि उन्होंने उसके पैसे है वो हड़प लिए हैं, हालांकि वो बड़े ही दयालु लोग थे। तो नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। गिव द आंसर फ्रॉम 26 to 30 क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। आपने वन और टू वर्ड में आंसर देने हैं। तो आंसर्स हैं वो मैंने नीचे दिए हुए हैं, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड चैप्टर का ऑथर कौन है? तो हेयर जी एल फ्लुंटस। तो जी एल फ्लुंटस है, उसने ये चैप्टर लिखा है। तो आपको स्पेलिंग है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, मास है वो तभी आपको दिया जाता है। व्हाट डिड लेंचोज कॉर्नफील्ड नीड। लेंचो के कॉर्नफील्ड को, कॉर्नफील्ड खेत होता है, किस चीज की जरूरत थी? तो लेंचोज कॉर्नफील्ड नीडिड ओनली ए लाइट शावर, उसको केवल हल्की बुशारों की जरूरत थी। विच प्लेन वॉज द नरेटर फ्लाइंग। नरेटर है वो कौन सा प्लेन है वो उड़ा रहा था? तो नरेटर वॉज फ्लाइंग डेकोटा DS-088। तो लें द नरेटर है वो डेकोटा प्लेन है वो उड़ा रहा था, जिसका नाम था डेकोटा DS-088। क्वेश्चन नंबर 29। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। कितने समय तक जो नरेटर है उसने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। तो ही फॉलोड फॉर हाफ एंड आवर, ओके, ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एंड आवर, उसने आधे घंटे तक उसका पीछा किया। और लास्ट है इसमें, हु वर बेकोनिंग द यंग सीगल। यंग सीगल को कौन लोग हैं वो इशारे से बुला रहे थे? तो हियर हिज फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको इशारों से अपने पास है वो उड़ने के लिए, उड़ करके आने के लिए पुकार रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। टेल वेदर दी गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम 31 to 35 आर राइट और रॉन्ग और ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 35 तक, 31 से लेकर के 35 तक सही है या फिर गलत है, ओके। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन और द पायलट ऑफ द डेकोटा एरोप्लेन वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन कहानी का नरेटर है, कहानी को सुनाने वाला है, या जो डेकोटा एरोप्लेन का पायलट है, वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का धन्यवाद करना चाहता था। तो हेयर इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही बात बोली गई है। मैनी एरोप्लेन्स वर सीन ऑन द रडार ऑन द वुमेन रडार। मैनी एरोप्लेन्स वर सीन ऑन द रडार बाय द वुमेन एट द कंट्रोल रूम ऑन दैट डे। उस दिन बहुत सारे दूसरे एरोप्लेन्स भी रडार के ऊपर उस औरत के द्वारा जो कि कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी उसके द्वारा देखे गए थे। तो हेयर इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ओनली डेकोटा एरोप्लेन वॉज सीन ऑन द रडार। केवल डेकोटा एरोप्लेन है वही रडार पर देखा गया था। तो आंसर्स हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों कि आंसर्स हैं वो बीच एंड के अंदर है वो दिए गए हैं। यू कैन सी दिस आंसर्स। नाउ 33। यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर हैड शॉर्टर विंग्स देन हिम। यंग सीगल के जो दो भाई थे और एक सिस्टर थी, उनके जो पंख हैं वो यंग सीगल से छोटे थे। तो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये है बिल्कुल ट्रू। द यंग सीगल्स टू ब्रदर एंड ए सिस्टर हैड शॉर्टर विंग्स, ओके, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल
ट्रू है ये, ठीक करना पड़ेगा हमें, ट्रू स्टेटमेंट है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द यंग सीगल्स फैमिली मेंबर्स वर अप ब्रीडिंग एंड थ्रेटनिंग हिम टू स्टार्व। यंग सीगल है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसको डांट फटकार रहे थे ताकि उसको वो भूख से ही मरता रहे। तो इट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 35। लेंचो कंपेयर्ड हेल स्टॉर्म्स विद न्यू सिल्वर क्वाइंस। लेंचो ने जो ओले गिरे थे उनकी तुलना है वो चांदी के सिक्कों के साथ है वो की थी। तो इट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ लास्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम 36 to 40। आपने फिलअप्स करने हैं ये। ओके खालिस्तान भरने हैं 36। लेंचो कंपेयर्ड द बिग रेन ड्रॉप्स विथ एंड द लिटल वन आर फाइव्स। लेंचो कंपेयर्स द बिग रेन ड्रॉप्स विथ 10 सेंट क्वाइंस एंड द लिटल आर फाइव। ओके लेंचो ने जो बड़ी बूंदे थी उनकी तुलना है वो 10 पैसे के सिक्के के साथ की है, और छोटे छोटे बूंदों की तुलना है उसने 5 पैसे के सिक्कों के साथ है वो की है। ओके नाउ 37। लेंचोज हाउस वॉज द ओनली वन। ओके लेंचो का जो हाउस है वो अकेला ही घर था। द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो अकेला ही मकान था वहां पर एक घाटी के अंदर, और वो एक छोटी पहाड़ी के किनारे पर स्थित था। नाउ 38। The young seagull felt certain that his wings would not support him. Young seagull है वो बिल्कुल आश्वस्त था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके 39th पर आ रहे हैं हम, सेकेंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके 39th। The narrator of the story, the black aeroplane in front of him. जो narrator है black aeroplane story का, उसने अपने सामने है वो black aeroplane है वो देखा। And last one, the sky was dash at 1:30 AM in the morning when the narrator was going to England by his old Dakota plane. तो स्काई है वो कैसा लग रहा था सुबह 1 बजे मॉर्निंग के अंदर, जब नरेटर है वो अपने प्लेन को इंग्लैंड से नरेटर अपने प्लेन से इंग्लैंड जा रहा था अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ाते हुए। तो द स्काई वॉज क्लियर, स्काई है वो बिल्कुल साफ था एट 1:30 AM इन द मॉर्निंग व्हेन द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड बाय हिज ओल्ड डकोटा प्लेन। तो स्टूडेंट आई हैव tried my best to revise these 3 chapters in a single video, and this video is around 28 or 29 minutes. Okay, so in this way you can revise your chapter. Okay, the facts that I have discussed in this video can be asked in the other ways also. So watch this video again and again. Okay, thank you very much for listening to me, and have a nice day.